नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे मैंने पंचांग धूप से लेकर आपको अष्ट दशांग धूप के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, मैं आज आपको जिस धूप के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है अष्टविंशति धूपम, यानी 28 प्रकार के धूपों को मिलाकर ये धूप बनता है। वैसे तो संस्कृत शास्त्र में पंचांग धूप से लेकर अष्ट दशांग धूप का ही वर्णन है, पर कई प्रादेशिक साहित्य में खासकर दक्षिण के तरफ जो है ना इसका वर्णन होता है। प्रादेशिक जो कर्मकांड शास्त्र होते हैं यानी या फिर साहित्य आप बोल सकते हैं, साहित्य का मतलब होता है उसमें कोई कहानी है देवी देवता की, उन प्रदेश के हिसाब से ही उनका वर्णन शायद है, और उसमें भी जो है ना ऐसे कैसे धूप दीप करते उसका वर्णन होता है और सामग्रियों का भी वर्णन होता है, तो इसे साहित्य भी कहा जाता है या कर्मकांड शास्त्र भी कहते हैं, पर प्रादेशिक होता है यानी प्रदेश की भाषा में लिखी होती है। वो हो सकता है बांग्ला में, हो सकता है वो हिंदी में भी हो सकता है, वो गुजराती और तमिल तेलुगु में भी हो सकता है। असल में हम सोचते हैं कि जो संस्कृत शास्त्र में लिखा हुआ है केवल वही हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमारे प्रादेशिक शास्त्र या ऐसे कोई कर्मकांड की अगर पुस्तक है तो उसे हमें फॉलो तो करना चाहिए, पर वो कितना सही है ये कुछ समय जो है हम हिचकिचाट में रहते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको कहूँगा दोस्तों, ये जो होता है ना ये लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि प्रादेशिक लोगों को जो है ना हर समय संस्कृत ना भी ज्ञान हो सकता है, तो इस वजह से जो है प्रादेशिक जो भाषा है उसमें भी कई सारे पंडितों ने और कई सारे विद्वानों ने जो इन विषयों के बारे में सोचा उन्होंने ही इन सारी चीज़ों की रचना की। इसमें जैसे प्रदेश की संस्कृति के साथ प्रदेश में मिलने वाले चीज़ों का वर्णन होता है और प्रदेश के रीति रिवाज का वर्णन होता है, उसी के साथ साथ संस्कृत शास्त्र में भी जिन सारी चीज़ों के विषय में बताया गया है उसका भी वर्णन इसके साथ होता है। आप बोल सकते हैं कि इसके साथ एक मेल मिलाप का संबंध होता है, यानी हमारे जो संस्कृत वेद और पुराण के जो शास्त्र हैं उसके साथ जो प्रादेशिकता है उसका एक मेल मिलाप होता है। इसका वजह यह होता है क्योंकि वेद और पुराण के जो टेक्स्ट हुए ना उससे कई पहले से जो है हमारे प्राचीन धर्म जो है, हमारे हिंदू धर्म जो है वो प्राचीन सनातन धर्म है, तो अभ्यास के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से ये पूजा पद्धति बहुत पहले समय से चला आ रहा है। जब हमारे टेक्स्ट यानी शास्त्र आए तो उसमें इन सारी चीज़ों को संरक्षण किया गया और बताया गया कि सही सही में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, यानी हवन के लिए एक अलग नियम बना, हवन में कौन से सामग्री ज़्यादा इस्तेमाल होगा और प्रतिदिन की पूजा धूप में इन सारी चीज़ों में कौन से धूप सामग्री ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल कर पाते हैं और कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपलब्धता में होती है, इस हिसाब से जो है ना ये नियम बने दोस्तों। पर प्राचीन समय से ये धूप करने की जो प्रथा है, आरती करने की जो प्रथा है, इस तरह की जो आराधना है, शायद इसके नाम उस समय आरती नहीं हुआ करता था, शायद उस समय ये धूप आराधना उस तरीके से नाम में नहीं जाना जाता था, पर देवता की उपासना करने में जो है ना उस समय भी धूप और अग्नि का इस तरीके से इस्तेमाल होता था प्राचीन समय में। इसलिए प्राचीन धुनि का कई वर्णन आपको जो है ना प्राचीन इतिहास में मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ पर किसी ग्रंथों की टेक्स्ट के बहुत प्राचीन है, वही अभ्यास क्रिया जो है हमारी प्रादेशिक नियम के साथ चलता जा रहा है, तो उन्हीं प्रादेशिक नियमों को जो है ना जब लिपिबद्ध किया गया यानी टेक्स्ट में लिखा गया तो वही हमारे प्रादेशिक शास्त्र बन गए। उसमें आपको दिखेगा क्योंकि ये ज़्यादातर संस्कृत शास्त्रों के बाद में आया है, ये शास्त्र लिखे गए हैं तो इसलिए उन प्रादेशिक शास्त्रों में जो है ना आपको संस्कृत शास्त्रों का भी झलक दिखेगा और प्रदेश के नियम और चीज़ों का भी। जैसे द्रविड़ प्रदेश में जो है ये 28 प्रकार की जो धूप किए जाते हैं, ये सहस्र प्रकार की आपकी संस्कृत में जो धूपों के वर्णन हैं, जो सहस्र प्रकार के धूप सामग्री और हवन सामग्री के वर्णन हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे दोस्तों। पर वही चीज़ दक्षिण में जाकर जो है ना अष्टविंशति धूपम या अष्टविंशति धूपम सामग्री बन जाता है। तो यही मैं 28 प्रकार के धूपों के विषय में आपको बताऊँगा। वैसे ये जो धूप है मैंने इसे जो है अष्ट धूप में जो करते हैं यानी आर्धुंची पात्र में जो दीपावली के समय या दुर्गा पूजा के समय जो धूप कार्य करते हैं उस समय भी जो है ना ये अष्टविंशति धूप का आहुति देने की उसमें चलन है, पर आजकल ये सारी चीज़ें थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि सामग्रियों की कमती है, सामग्री उस तरह से हर चीज़ें नहीं मिल पाता है, तो लोग ज़्यादातर नियम के लिए राल और गुग्गुल और घी से ही ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करके ये नियम की रक्षा करते हैं। पर 28 प्रकार की धूपों के इस्तेमाल आज भी होता है। अब यहाँ पर एक बात और भी आ जाता है कि 28 प्रकार के ही क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप
देवी पूजा के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर 108 करके हर चीज़ को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है। यानी कि आप 108 पुष्प की माला चढ़ाते, 108 बिल्वपत्र की माला चढ़ाते, 108 दीपक चढ़ाते तो वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। पर अगर आप 108 नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे आपके सामग्री का अभाव हो सकता है या फिर आप जहाँ पर पूजा कर रहे हो वहाँ पर उतनी स्थान नहीं है कि वहाँ पर आप 108 दीपक जला पाए, तो वहाँ पर उस चीज़ के विकल्प के तौर पर जो है ना सबसे कम करके 8 दीपक, 8 पुष्प की माला, 8 जो है धूप आप जला सकते हैं, या फिर जो है आप 28 धूप, 28 दीप, 28 पुष्प की माला आप चढ़ा सकते हैं। तो सबसे कम में आपको 8 चढ़ाना है, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको 28 और 108। यही नियम जो है ना हमारे शास्त्र में और तंत्र में खासकर इसे कहा गया है। जो गृहस्थ तंत्र है उसमें, गृहस्थ पूजा में जो तंत्र होगा उसमें ये खासकर कहा गया है कि 108 अगर आप जला पाते देवी पूजा में तो वो सबसे श्रेष्ठ है, अगर नहीं जला पाते तो आप 8 जला लीजिए या फिर आप 28 जला लीजिए। तो 28 प्रकार की यही धूप जो है द्रविड़ प्रदेश में अष्टविंशति धूपम नाम से जाना गया, जो कि 28 प्रकार की सामग्रियों के मेल से बनता है। ये 28 प्रकार की सामग्री जो है उसमें आपको पीले लाल यानी धुना जो है वो आपको लेना है। पीले लाल, गुग्गल, चंदन, अगरू, उशीर, कपूर, मिश्री, सफ़ेद तिल, पीली सरसों, जटामांसी, नाकेसर, हल्दी, देवदारू, चंपक, रक्त चंदन या पीली चंदन, घी, मधु, बिल्वपत्र या फिर तुलसी के सूखे पत्र, नागर, नखल, लाक, सूखा नारियल, कमलगट्टे, मखाने, शंख पुष्पी, समी, भोजपत्र और बच्छ। तो यही सारे 28 चीज़ें होता है। हल्दी के आपको गाढ़ जो है वो कई लोग ऐसे ही धूप के साथ जलाते यानी धुना के साथ जलाते, तो आप इनमें से जो है ना कुछ सामग्री अगर आप लेकर वो प्रतिदिन जलाना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इनमें से आप 8 सामग्री को लेकर भी अगर प्रतिदिन आप धूप हवन करते, धूप निवेदन करते, आरती करते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आरती के लिए ज़्यादातर देखा जाता है केवल धूप और धुना और गुग्गुल यानी राल गुग्गुल का ही इस्तेमाल होता है, और जो धूप निवेदन होता है या फिर सेवा होता है या तो दोनों चीज धूप जलाकर जो लोग पूजा करते हैं, एक में सेवा और एक में आरती करते, उसमें ये 28 प्रकार के धूपों का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, एक में और दूसरे में राल कुकुल जलाकर जो है आरती की जाती है नॉर्मली। तो मैं आपको 28 प्रकार के धूपों के नाम जो है एक बार फिर से बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको पीले राल लेना है, गुग्गुल, चंदन, अगरू, उशीर, कपूर, मिश्री, इसकी जगह पर आप गुड़ भी ले सकते हैं, सफ़ेद तिल, पीली सरसों, जटामांसी, नाकेसर, हल्दी जो कि हल्दी के गांठ होते हैं, देवदारू, चंपक, रक्त चंदन, पीली चंदन, घी, मधु, बिल्वपत्र या फिर सूखे हुए जो है तुलसी के पत्र है वो भी आप ले सकते हैं, नागर, नखल, लाख, सूखा नारियल, कमलगट्टे, मखाने, शंख पुष्पी, शमी, भोजपत्र और बच्छ। ये 28 प्रकार के धूप जो अष्टविंशति धूपम के नाम से द्रविड़ प्रदेश में यानी दक्षिण प्रदेश में जाना जाता है उसका आप इस्तेमाल करके भगवान को प्रतिदिन निवेदन करिए, आपको धूप करने के फल तो देंगे ही, उसके साथ साथ आप क्योंकि प्रतिदिन अगर अग्निहोत्र और हवन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी फल आपको देगा। आप अगर हवन कर रहे हैं धूप आरती या पूजा के साथ तो उस हवन में भी इस हवन सामग्री का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन सामग्री के तौर पर इसमें आपको जौ और चावल थोड़ा एक्स्ट्रा मिलाना होगा, क्योंकि आप हवन में इसे आहुति देंगे तो उसमें चावल और जौ जो है वो मिला लीजिए, उसके बाद जो है घी के साथ इसे आप आहुति दे सकते। तो प्रतिदिन की जो धूप आप उसमें आप इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते, इसमें से केवल 8 प्रकार की चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते। अष्टविंशति जो धूपम है वो आप दुर्गा पूजा और दीपावली में खासकर करेंगे, अष्ट धूप में करेंगे, अष्ट धुनुची में धूप जलाकर यानी उसमें करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था मेरा आप लोगों को जानकारी देने का उद्देश्य, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पंचांग धूप से जो है अष्ट दशांग तक अगर बता दिया है तो अष्टविंशति जो धूपम के बारे में जो मुझे जानकारी है वो भी मैं आप लोगों से साझा कर लूँ। तो ये वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर ये वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा है, आपको ये अष्टविंशति धूप के बारे में अगर कोई लाभ होता है जानकर यानी आप इसे करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप
ऑलरेडी इस तरह के कोई धूप अपने घर पे करते हैं ना दोस्तों, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना कमेंट जो है मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे आपसे नए किसी वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।